नमस्कार। करवा चौथ के इस पावन अवसर पर मैं शिखा मेहरोत्रा आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन सुहागन महिलाएं और शादी के बंधन में बंधने वाली कुंवारी लड़कियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं, 16 श्रृंगार कर तैयार होती हैं, शाम को पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर चांद को अर्घ देकर अपना उपवास पति के हाथों पानी पीकर तोड़ती हैं। लेकिन करवा चौथ का त्योहार उपवास से पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, इसमें कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। कुछ महिलाओं को इस व्रत का विधि विधान नहीं पता होता या वो जानना चाहती हैं कि किस विधि विधान के साथ उनका ये पहला उपवास सफल हो पाएगा। ये कार्यक्रम उन्हीं लोगों के लिए है जो करवा चौथ से जुड़ी तमाम जानकारियां चाहती हैं कि क्या करें और क्या ना करें, इस त्योहार से अपने दाम्पत्य जीवन में खुशी कैसे लाए। ऐसी ही तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे पंडित जी से, और हमारे साथ मौजूद है पंडित जितेंद्र जी महाराज जी, जो कि एक संस्था है, उसके पंडित जी भी हैं और रामकथा गायक भी हैं। तो पंडित जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और हम आपका परिचय इनसे दे दें कि ये मानस अमृत सेवा संस्थान के सरस गायक है, रामकथा वाचक भी हैं। तो पंडित जी, आज करवा चौथ का दिन है, काफी अहम दिन होता है ये सुहागन महिलाओं के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे खासतौर से उन महिलाओं को जो पहली बार व्रत रख रही हैं? सादर जय सियाराम। प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी? राम जी की दिव्य कृपा के फलस्वरूप बड़ा सुंदर सा सुखद सा पल है करवा चौथ। इस करवा चौथ के पावन पर्व पे सबसे पहले हम आपको एक बात बताएं, जीवन में पत्नी ही सारे पूजा, सारे विधि विधान, सारे त्योहारों को बड़े प्रेम के साथ में करती है, और सनातन धर्म में उसे जानते हैं, क्या कहते हैं, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का अर्थ है कि वो समस्त धर्म के कार्य में वो सदा आगे रहती है, पति से भी बढ़कर। ऐसा ही पावन पर्व है करवा चौथ का। करवा चौथ के पावन पर्व पे हम सभी भक्त प्रेम से विधि पूर्वक किस प्रकार से आज के समय में भगवान चौथ माता का पूजन करें, उसके पहले हम सबसे पहले आपको बता दें कि इस पावन पर्व पे निर्जला व्रत रह करके महिलाएं इस पावन पर्व को करती हैं। सर्वप्रथम पूरा दिन उपवास के उपरांत सायंकालीन के समय सुंदर सी अपनी परात को सजाती हैं। उस परात में रोली, चावल, धूपबत्ती, रुई, देसी घी, फूल और नाना प्रकार से बहुत सी पूजन सामग्रियां हैं, जिसे वो लोकाचार के आधार पर विधि पूर्वक सजाती हैं। तत्पश्चात सुंदर सी एक विधि बनाती हैं अपने आंगन में। यदि आज पहले के समय में मिट्टी का आंगन होता था तो उसको गोबर से लीपा जाता था, लेकिन आज के समय में आप जानते हैं कि सभी के घर में फर्श हो गए, तो फर्श के लिए सबसे अधिक सही तरीका है कि महिलाएं चावल को भिगो दें, और भिगोने के बाद में उसे हो सके तो सिलबट्टे से, सिलबट्टा भी संभव नहीं है, उसे मिक्सी से प्रेम से पीस लें, और पीसने के बाद उसी का लेपन करें पृथ्वी पे। उसके उपरांत उसमें अगर बन सके तो बड़े प्रेम से चंद्रमा की आकृति बनाएं, साथ में गणेश जी, माता पार्वती, जिसे गोबर की गौर कहते हैं, गोबर की गौर को भी बड़े प्रेम से एक प्याले में या एक सकोरे में, कटोरी में उसे बैठा दें, और उसके उपरांत बड़े प्रेम से भगवान शिव का और भगवान श्री गणपति का, माता पार्वती का विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन करें। पूजन में सर्वप्रथम जल से चार बार अचवाएं, फिर उस पे बड़े प्रेम से रक्षा सूत्र समर्पित करें, उसके उपरांत सुंदर सा रोली का टीका लगाएं, टीका लगाने के उपरांत अक्षत समर्पित करें, अक्षत के बाद में पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य दिखा करके बड़े प्रेम से भगवान का पूजन करें। पूजन करने के उपरांत में बड़े भाव के साथ में जो करवा होता है, करवा के टोटी वाला करवा लेना चाहिए प्रत्येक महिलाओं को, और उसके अंदर हो सके तो जो भी उन्होंने पूजन सामग्री में जो भी प्रसादी बनाई है उसको अंदर भर दे। यदि उनके पास संभव नहीं है, वो नहीं बना पाते हैं इतने पकवान, तो उन्हें चाहिए कि फल, मिष्ठान, मेवा इत्यादि जो भी है उसे भरकर उसके ऊपर रख करके सुंदर सा दीपक प्रज्वलित करें, और उसके उपरांत आगे से सुंदर सी तीलियां लगाएं। तीली लगाने के बाद में विधि पूर्वक वो करवा का पूजन करें। पूजन करने के उपरांत सामने चंद्र देवता विद्यमान रहते हैं, उन चंद्र देवता का विधि पूर्वक पूजन करें। पूजन करने के उपरांत
महिलाओं को चाहिए कि अपने पति अगर साथ में है उस स्थान पे तो उन्हें एक सुंदर से आसन पे बैठा देना चाहिए। बैठाने के उपरांत एक सुंदर से कपड़ा जैसे रुमाल हो गई, तौलिया हो गई, उसे उनके सिर पे रख करके सुंदर से उन्हें तिलक लगाएं। सर्वप्रथम तिलक लगाने के बाद में प्रेम से उस चलनी के माध्यम से पहले चंद्रमा को देखें। चंद्रमा को देखने के बाद में अपने उसी चलनी के माध्यम से अपने पति के दर्शन करें। बहुत सी महिलाएं लोकाचार में एक दीपक जलाती हैं, उसी चलनी के ऊपर रखती हैं, उससे भी चंद्रमा के दर्शन करती हैं, उसके उपरांत अपने पति के दर्शन करती हैं। ये करने के उपरांत में सुंदर सा मिष्ठान, क्यों? क्योंकि मीठा खिलाने से प्रेम बढ़ता है, इसलिए सर्वप्रथम मीठा अपने पति को खिलाए। पति को भी चाहिए कि वो मीठा अपनी पत्नियों को खिलाए, और खिलाने के उपरांत सर्वप्रथम पत्नी को एक सुंदर से गिलास में या लोटे में जैसे भी जिसकी व्यवस्था हो वहां पे उससे वो जल पिलाएं, और जल पिलाने के बाद में जब जल पिए तो उसके उपरांत पत्नी को चाहिए कि अपने पति के चरणों को बड़े प्रेम से स्पर्श करें, और पति देव को चाहिए कि अपनी पत्नी को सुंदर सा आशीष दे। आशीष के साथ में अगर संभव हो सके तो महिलाओं को चाहिए कि सुंदर सा जो भी दुपट्टा हो या चूनर हो उससे अपना आंचल फैलाएं। आंचल फैलाने के उपरांत में जो भी पति से बन सके संभवता तो बड़े प्रेम से उनके आंचल में दे दे। आंचल में यदि ना संभव उस स्थान पे एक नारियल, ना नारियल तो वहां पे पुष्प रखा होगा, पुष्प को लेकर के उनके कोछे को भर देना चाहिए, जिससे जीवन में सदैव उनका आंचल सदैव भरा ही रहेगा। और उसके उपरांत बड़े प्रेम से पति पत्नी अपने सामंजस्य जीवन को व्यतीत करते हुए अपने वरों का आशीर्वाद ले, और उसके उपरांत भगवान श्री गणेश जी, माता गौरी जी, भगवान श्री चंद्र देवता को बारंबार वंदन करें, नमन करें। और बड़े प्रेम से बहुत से लोग लोकाचार में परिक्रमा करते हैं, यदि परिक्रमा संभव हो सके परिक्रमा करें, और उसके उपरांत भगवान की जय जयकार करते हुए भगवान की आरती करके और उस स्थान पे पूजा को बड़े प्रेम से संपन्न करें। जी पंडित जी, आपने पूरा विधि विधान तो पूजा का बता दिया, अब कुछ सवाल है महिलाओं के जो वो जानना चाहती हैं। जैसे जिनकी नवविवाहिता होती है, जिनका पहला करवा चौथ होता है, तो वो उनके कई सवाल होते हैं कि पहली बार करवा चौथ हम कर रहे हैं तो इसके विधि विधान क्या होने चाहिए, वो तो आपने बता ही दिए, लेकिन ऐसे भी कई सवाल होते हैं जो वो जानना चाहती है कि आखिर चांद को अर्क क्यों दिया जाता है, ये भी एक सवाल है, तो इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, चंद्रमा को अर्क इसलिए जीवन में सनातन धर्म में दो देवता सदैव विद्यमान है, जो अपने समय से आते हैं और समय से जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री सूर्य देवता, और दूसरे कौन से? अपने चंद्र देवता। तो आपने देखा होगा रात्रि काल में करवा चौथ के पूजन के उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य देना इसलिए अत्यावश्यक है कि चंद्रमा हमारे पूजा का प्रतीक है। रात्रि का ही विवाह होता, विवाह के उपरांत चंद्र देवता, ध्रुव देवता, इन सभी के दर्शन कराए जाते हैं। आचार्य इन्हें साक्षी मानते हैं कि चंद्र देवता साक्षी हमारी पूजा को, इसलिए प्रेम से उन्हें अर्घ देते हैं, उनको टीका वंदन नमन करके उन्हें प्रणाम करते हैं, और उसके उपरांत महिलाएं अपने पूजा को विधि पूर्वक करती हैं। जी, सर्गी का क्या महत्व है? सर्गी का महत्व सर्वप्रथम हम आपको बताएं, सर्गी उन लोगों के लिए होते हैं जो लोग निजला एकादशी रहते हैं या निजला पूजा करते हैं। निजला एकादशी मैंने अभी आपको बताया, तो निजला एकादशी में आपने देखा होगा कि साल में 24 एकादशी होती है, उस एकादशी में जो 24 एकादशी नहीं रह सकते उनके लिए एक एकादशी आती है, भीम सैनी एकादशी। भीम सैनी एकादशी रहने से ये फायदा है कि उस दिन हमें निजला रहना, उस दिन जल नहीं पीना है। तो ऐसे ही करवा चौथ है, करवा चौथ के दिन भी हमें जल नहीं पीना है, लेकिन ये संभवतः कैसे हो सकता? तो जब प्रातःकालीन सूर्य उदय से पहले जो सास होती हैं घर की बड़े, यदि किसी के वहाँ सास नहीं है तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या उनके जेठ जी हैं, उन महिलाओं के लिए फल, मिष्ठान, दूध, दही, ऐसी बहुत सी सामग्रियां देख करके उन्हें प्रातःकालीन से पहले ही दे देते हैं कि आप इसे ग्रहण कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पूरा दिन निजला एकादशी या निजला करवा चौथ कैसे आप रहेंगे, तो ये 3:30 से पहले ही जो भी इसका सेवन कर लेते हैं फिर पूरा दिन वो आराम से व्यतीत रह सकती हैं। जी पंडित जी, करवा चौथ को बड़ी चौथ कहा जाता है, और कुल कितनी चौथ होती है हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, और करवा चौथ को ही क्यों बड़ी चौथ कहा जाता है? देखिए, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि पे हम सभी करवा चौथ मनाया जाता है। ये पर्व जो है क्योंकि इसी महीने में बहुत से अनेकानेक त्योहार आते हैं, जिसमें धनतेरस, दीपावली और भी त्योहार है, जिसपे चौथ, इस विशेष चौथ को कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही मनाना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे बड़ी चौथ कोई और नहीं है साल में, सर्वप्रथम इसी चौथ को सबसे बड़ी, नहीं तो फिर संकटी गणेश जी की जो पूजा आती है उसमें विधि पूर्वक वो पूजा संपन्न
होती है जी। और जिस तरह से जो महिलाएं होती हैं वो तो ये व्रत रखती हैं, लेकिन जो शादी के बंधन में बंधने वाली महिलाएं हैं, जिनकी शादी तय हो चुकी है, उन महिलाओं को भी ये व्रत रखवाया जाता है, तो क्या इन दोनों के विधि विधान में कुछ अंतर होता है, ये एक ही तरह व्रत रखती हैं? देखिए, जो कुमारी लड़कियां हैं, वैसे सनातन धर्म में इसका कोई प्रमाण नहीं है जी। सनातन धर्म में इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन आजकल लोकाचार में, आजकल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी से देख करके लोगों में उत्साह जागृत हो जाता है कि हम भी करेंगे। तो इसका सनातन पद्धति में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर लड़कियों की इच्छाएं हैं तो वो रख सकती हैं। पूजा को अपनी मम्मी के साथ में, अपनी भाभी के साथ में विधि पूर्वक उस पूजा में शामिल हो सकती हैं, लेकिन वो गौर को ना सिंधु चाहेंगी अपने हाथ से और ना ही पूजा की किसी चीज में दूर से उन्हें प्रणाम करके, भगवान को स्पर्श करके, नाना प्रकार की जो भी पूजन सामग्री लाई हो उन्हें मम्मी को, भाभी को, जो भी उनके साथ में पूजा करें उन्हें दे दे, वो अपने हिसाब से कर दे। जब पूजा संपन्न होती है, जो सामग्रियां उन्हें पूजा में लाई तो वो और सौभाग्यवती स्त्रियों को, जैसे अपनी भाभी को, अपनी मम्मी जी को, या जो ना हो तो आचार्य की जो पत्नियां होती हैं उन्हें बड़े प्रेम से सौभाग्य की सामग्री को वितरित कर देना चाहिए, जिससे उनके जीवन में सदैव मंगल की कामना बनी रहेगी जी। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और कुछ लोग इसलिए भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं ताकि उनको अच्छा जीवन साथी मिल सके, तो क्या ऐसा कुछ होता है? क्या उन लोगों को व्रत रखना चाहिए अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए? देखिए, माता पार्वती का पूजन है जी, और माता पार्वती जी का पूजन प्रत्येक कुमारी कन्याओं को करना चाहिए जी। माता पार्वती का पूजन करने से सदैव सभी के जीवन में मंगल होगा, और खासकर कुमारी कन्याओं को अपने अच्छे पति पाने के लिए अच्छी अच्छी पूजा करनी चाहिए, जिसमें माता पार्वती की पूजा विशेष रूप से है। और सनातन धर्म में श्री रामचरितमानस में जिस समय भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण भैया और माँ सीता जी वनवास के लिए जा रहे थे, उसी समय माता अनसुईया जी के आश्रम में पहुंचकर बड़े प्रेम से अनसुईया मैया ने माता सीता को एक ही बात समझाई थी। वो बात कौन सी है, एक चौपाई के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। एक ही व्रत एक धर्म नेमा, कि एक ही व्रत आज के सनातन धर्म में, वो धर्म क्या है, पति की सेवा करना। मैं आज के समय में ये किसी से नहीं कहता हूँ कि वो पति की सेवा करे। पति की सेवा ये नहीं कि थाली से धूप दीप नैवेद्य दिखाकर उन्हें पूजा करे, लेकिन पति की सेवा का सबसे पहला तात्पर्य, पति यदि समाज में कुछ कहता है तो पत्नी को सर्वप्रथम मानना चाहिए। यदि वो समाज में मानती है तो समझ लीजिए इससे बड़ा जीवन में कुछ और नहीं है। इसलिए कुमारी कन्याओं को विधि पूर्वक अगर अपने लिए अच्छा पति चाहिए तो उन्हें माता पार्वती जी की पूजा, और करवा चौथ पे जो माताएं, जो माँ या भाभी या अन्य जो भी पूजा करते हैं उस पूजा में शामिल हो, और साथ में मैया को प्रणाम करके अपने अच्छे वर के लिए माँ से प्रार्थना करें, माँ सदैव उनके जीवन में कल्याण करेंगे। तो जैसा आपने बताया, मतलब दोनों का विधि विधान अलग है, क्योंकि जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो अर्क देके अपना अपने पति के हाथों व्रत तोड़ती हैं, लेकिन कुंवारी कन्या उपवास तो रख सकती हैं लेकिन वो पूजा वैसे नहीं कर सकती, तो वो किस तरह की पूजा कर सकती है? सिर्फ उपवास रख के पूजा में शामिल हो सकती है? देखिए, पूजा में शामिल हो, पूजा विधि पूर्वक जो भाभी माँ इत्यादि कर रहे हैं उन पूजा में शामिल होने के बाद में सभी के वहां पे पति होते हैं, वो चाहे माँ के साथ में बाबूजी होते हैं, भाभी के साथ भैया जी होते हैं, लेकिन कुमारी कन्या के लिए ऐसा कोई संभव नहीं होता है। तो उसके लिए उन्हें चाहिए भगवान को प्रणाम करके, चंद्रमा को साक्षी मान करके बड़े प्रेम से उसे जल को ग्रहण करें, लेकिन सनातन धर्म में इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए वो चंद्रमा को साक्षी मान करके जल को ग्रहण करें, और उसके बाद समस्त प्रसाद जो भी मिला है उसे पाएं, और अपने जीवन में भगवान से कामना करें कि उनका जीवन सुखद बीते और वो जल्द समय आए जिससे हमारा विवाह हो, विवाह होने के उपरांत हम बड़े प्रेम से पुनः आपका विधि पूर्वक पूजन संपन्न कर सके, ऐसी मंगल कामना के साथ में। जी, करवा चौथ को पति पत्नी के प्रेम के लिए भी मनाया जाता है, तो इससे दोनों के रिश्ते में कितनी मधुरता और कैसे आती है? देखिए, मधुरता आने की जो बात आपने हमसे भी कही जी, मधुरता तो एक ही चीज से आएगी, वो जानते हैं क्या है, आज के समय में मधुरता आने का सबसे, पति यदि समाज में पत्नी से कुछ कहे तो पत्नी को सर्वप्रथम वो बात माननी चाहिए, लेकिन आज के समय में, आज के इस माहौल में, आज के इस परिपेक्ष में पति की पूजा के लिए अनेकानेक पूजा है, लेकिन पति की बात मानना ये पत्नियों से संभव नहीं है। अगर मधुरता की बात आप करती हैं तो मधुरता तभी आएगी, पत्नी कुछ कहे और पति सुन ले तो समझ लेना जीवन में मंगल हो जाए, और पति कुछ कहे तो पत्नी सुन ले बस समझ ले आपका मंगल ही मंगल हो जाएगा, लेकिन कोई किसी की बात को सुनना नहीं चाहता, वो अपनी अपनी बात करते रहते। इसके लिए सबसे सरल तरीका ये है कि एक को मौन धारण कर लेना चाहिए, किसकी तरह, भगवान
शिव की तरह, किसकी तरह, भगवान शिव की तरह, क्योंकि कि जब सती मैया ने को बहुत समझाया भगवान शिव ने, लेकिन शिव बाबा की बात सती मैया ने नहीं मानी, अंतोगत्वा भगवान शिव 87,000 वर्षों के लिए मौन हो गए, बिल्कुल चुप। तो ऐसे ही पत्नी कुछ कहे, पति को ना समझ में आए तो बिल्कुल मौन धारण कर ले, कुछ बोले नहीं, क्योंकि बोलोगे तो मधुरता नहीं आएगी, फिर तो आप सब समझते हैं क्या आएगा। जी, अब एक नया ट्रेंड चल गया है जहाँ पे पति भी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं, तो इसका क्या कोई लाभ मिलता है? देखिए, पत्नी जो संस्कार करती है, जो पूजा करती है, विधि विधान के साथ में करती है, ईश्वर की कृपा से उसका जो फल होता है वो उसे पति को मिलता है, चाहे वो धर्म के उसमें, भगवान की पूजा में, भजन में, या अनेक अनेक प्रकार से, किसी प्रकार से भी कोई पूजा करती, उसका फल उसके पति को मिलता है। जी। और साथ में जब पति किसी जप को करता है, पूजन को करता है, तो उसकी पत्नी को भी मिलता है, ये सत्य है, सनातन धर्म में इसका प्रमाण भी है। लेकिन पति अक्सर करते नहीं है इस उपवास को, सिर्फ पत्नियां करती है, तो क्या पति को करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, करवा चौथ की बात करें तो किसी भी धर्म के क्षेत्र में पति पत्नी को दोनों को ही आगे चलना चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म है। जी। जब वन के लिए प्रभु श्री राम चले तो माता जानकी जी भी साथ में चल दी, तो ऐसे ही जब पहला कदम पति बढ़ाएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ पत्नियां भी उसके पीछे चल देंगी, यही सत्य है, इसमें करना चाहिए, इसमें कोई संभव नहीं। जी, तो दोनों के रिश्तों के लिए होता है, अगर किसी के रिश्ते में मनमुटाव हो और इस व्रत को करे तो क्या उससे भी दोनों के रिश्ते सही हो सकते हैं, मधुर हो सकते हैं, किसी भी पूजा में, किसी भी उपवास, क्योंकि सबसे पहला तो आप जानते हैं किसमें भगवान गणेश की पूजा होती है, किसकी होती है, भगवान श्री गणेश की, तो गणेश जी क्या देते हैं हमें, बुद्धि, बुद्धि की देवता कौन है, भगवान श्री गणेश जी, और माता पार्वती क्या है, माता पार्वती सौभाग्य की देवी है, तो जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हमें इस व्रत को बड़े प्रेम से करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में जो भी खटास है तो उसमें भगवान जी चाहेंगे तो मधुरता अपने मन से ही आ जाएगी। और किसी भी पूजा को करने के लिए प्यारे सबसे अच्छी बात जानते हैं, विधि पूर्वक करो, अच्छे से करो, मन से करो, तो देख लेना आपके जीवन में सदैव मंगल होगा ही होगा। जी, आज के नक्षत्र के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का नक्षत्र में क्या कुछ अलग है, क्या कुछ खास है इस करवा चौथ को लेकर। देखिए, करवा चौथ की खास बात तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दें, इस समय आप देख रहे हैं कि COVID-19 कोरोना महामारी के कारण पिछले साल बहुत अच्छे से पूजा भी नहीं हो पाई, और साथ में आपने देखा बहुत अच्छी खरीदारी भी नहीं हो पाई, लोगों ने अपने घरों में अपनी मेहंदी लगाई, जैसे जिसकी संभवता बनी उन्होंने वैसे लगाए, लेकिन इस कोरोना के बाद में इस साल जो समय आया है ये सबसे सुखद पल है। आज के समय में अगर देखा जाए हर गली, हर मोहल्ले, हर बाजारों में इतनी दुकानें सजी हुई, लोग सुबह से खरीदारी कर रहे हैं, इससे तो अगर देखा जाए तो 4-5 दिन पहले से खरीदारियां शुरू हो गई, मेहंदी लगने से, सजने संवरने, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में एक श्रृंगार नहीं 16 श्रृंगार है, पैर के तलवे से रंग से लगा करके और मांग के सेंदूर तक की अपनी अपनी मांगे भरती है महिलाएं, क्योंकि मांग भरने का सबसे अधिक प्रमाण ये, जो जितनी अधिक मांग भरेगा उसकी पति उसकी उतनी ही अधिक मांगे पूरी करेगा, तो इसलिए इस बार विशेष है, और महिलाओं से एक विशेष निवेदन है, माताओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक अपनी मांग को भरना चाहिए, यही सनातन धर्म है, लेकिन आज के समय में महिलाएं अपनी मांग भरती नहीं, आजकल आपने देखा होगा एक केमिकल चल गया है सिंदूर का, तो हल्का से यहाँ लगा लो बस उससे, लेकिन उससे होने वाला कुछ नहीं है, सिंदूर से अपनी मांग भरनी चाहिए, जिससे पति समस्त मांगों को पूरा करेगा, यही सनातन धर्म में इसका प्रमाण है, और विशेष इसलिए है क्योंकि इस बार पुनः कोरोना के बाद में सौभाग्यशाली है वो महिलाएं जिन्हें ऐसा सुंदर सा अवसर मिला है। अगर देखा जाए कोविड के समय में, कोविड कोरोना महामारी के समय में ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़कर के परलोक में चले गए, जिसकी वजह से लोगों के घरों में दुख और अपार है, जिसकी वजह से कष्ट है, लेकिन भगवान ने ऐसी विशेष कृपा उन सभी महिलाओं को दी है, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ वो विधि पूर्वक भगवान शिव माता पार्वती, भगवान श्री गणपति जी का विधि पूर्वक पूजन करें, जिससे उनके जीवन में समस्त प्रकार से कल्याण हो। जी पंडित जी, जो महिलाएं श्रृंगार नहीं करती है, जो जॉब अप करती है, लेकिन आज के दिन सभी सजी धजी रहती है, 16 श्रृंगार का पूरा महत्व जो होता है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आज के दिन जिस तरह से फॉलो करती है महिलाएं, तो इस 16 श्रृंगार का महत्व क्या है? आपने देखा होगा सनातन धर्म, आप किसी और धर्म की बात करें हमसे अगर जी, तो उसमें इतना श्रृंगार नहीं होता है, लेकिन अपने ही सनातन धर्म में आपने देखा होगा विवाह के उस मंडप में अनेक अनेक रीति रिवाज है, रीति रिवाज के उपरांत सौभाग्यवती स्त्रियों को सबसे पहले जब विवाह संपन्न होता है पैर के तलवे में रंग लगाया जाता है जी। रंग लगाने के उपरांत बिछिया दबाने की रस्म होती, बिछिया दबाई जाती, बिछिया के उपरांत पायल, पायल के उपरांत पति के द्वारा पत्नी की मांग भरी जाती है, हाथों में चूड़ी, कंगन,
नाना प्रकार से पूजन की विधि है। पूजन की विधि तो उपरांत 16 श्रृंगार, जो सारे श्रृंगार महिलाएं एक साथ बड़े प्रेम से करती है। महिलाओं के श्रृंगार से अगर हम देखें अपने सनातन धर्म की बात करें तो इतना अच्छा श्रृंगार किसी और धर्म में नहीं है, और जितना जो श्रृंगार करेंगी महिलाएं उतना ही उसके पति दीर्घायु होंगे। पति दीर्घायु होते महिला के श्रृंगार से। कोई सोचे कि हम भगवान की खूब सारी पूजा कर ले, खूब भजन कर ले, कीर्तन कर ले, सत्संग कर ले, उससे नहीं, उससे भी बढ़ करके अगर पत्नियां अपने श्रृंगार को भरपूर मात्रा में करती हैं, अच्छा श्रृंगार करती, पति के सामने आती हैं सच समर के, तो देख लेना उसके पति दीर्घायु होते हैं। जी, और जिस तरह से राशियों की बात करी जाए, सबकी अलग अलग राशि है, तो क्या पूजा अलग अलग तरीके से भी करी जाती है? क्या किसी के लिए कुछ अलग बना है कि अलग राशि है तो उन महिलाओं को अलग तरह से पूजा करनी चाहिए, कुछ ऐसा भी है? देखिए, पूजा में राशियों के आधार पर आपने बात की है, तो राशियों के आधार पर जिसकी जो प्रकार की राशि, कोशिश करें पुष्प, अब आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे पुष्प आते हैं, जिसकी जो राशि है उसी के हिसाब से उनका रंग, रंग के आधार पे उन्हें उसी पुष्प से पूजा करनी चाहिए, जिससे माता पार्वती पसंद होंगे और उनके जीवन में मंगल करेंगे। जी, राशि के आधार पर वस्त्रों का चयन भी आज के दिन क्या महिलाओं को करना चाहिए? वैसे करना चाहिए, लेकिन उन महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है जिनका प्रथम बार विवाह हुआ है और पहली बार वो करवा चौथ मनाने जा रहे, तो उन्हें अपने ही विवाह की जी, वो लहंगा हो, साड़ी हो, चूनर हो, उसी के साथ में करना। अन्य महिलाओं के लिए संभव हो सकता है, क्यों? क्योंकि उनके लहंगे पुराने हो गए, उनकी साड़ियां पुरानी हो गई, तो इसलिए। तो इसके पीछे भी क्या कोई वजह है कि पहले जो शादी का लहंगा है, शादी के जो ज्वेलरी है, वही पहननी चाहिए पहले साल तक? क्योंकि देखा जाता है हर त्योहार में नवविवाहिता उन्हीं कपड़ों और जेवरों को पहनती है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, उसमें प्रथम बार जब विवाह की रीति रिवाज संपन्न होते हैं तो उसमें माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी, सभी, क्योंकि वो वस्त्रों को धारण करती हैं, वस्त्रों को धारण करने के बाद वो अपना आशीष प्रदान करते हैं, आशीष प्रदान करते हैं, तो कहते हैं कि सब दो चीजें विशेष रूप से रखिएगा। एक तो जो गठबंधन का जोड़ा होता है, आपने देखा होगा चूनर में और वर के अंगोछे में गठबंधन को बांधा जाता है, बांधने के उपरांत में उसको आशीष दिया जाता है, वो यहाँ से बंद करके अपने घर की ओर जाते हैं, तो कहा जाता है इसे आप संभाल के रखिएगा। दूसरा, महिला के पास में एक सिंदरावता होता है जिससे वो निरंतर भगवान को, माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करती है, तो कोशिश ये कीजिए कि अगर संभव हो सके तो उन्हीं वस्त्रों को पहने, इससे अच्छा विकल्प कोई और नहीं है। जी, तो जो ये उपवास करे जाते हैं सनातन धर्म में, इनकी क्या महत्वता है, इनसे रोग कितने दूर होते हैं, ये भी कहा जाता है कि बड़ी महत्वता होती है व्रत उपवास की, इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है इस समय हमसे। कोई भी व्रत हो, आप किसी व्रत की बात कर ले, अभी तो हम बात करेंगे आपसे करवा चौथ की। जी, हम हिंदू सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत का अपना महत्व है। अभी कुछ समय पूर्व देखिए नवरात्रि समाप्त हुई, नवरात्रि में माता रानी का नित्य रोजाना पूजा होती है, रोजाना अर्चना होती है, रोजाना वंदना होती है, ऐसे ही करवा चौथ का व्रत, व्रत और उपवास में आप हमेशा याद रखिए कि सभी का मंगल होगा, इसमें किसी का भी कोई अमंगल होने वाला नहीं है। जितना आप व्रत रखेंगे अपने शरीर के लिए, अपने मानसिक चिंतन के लिए, क्यों? क्योंकि भगवान की पूजा करने से प्यारे एक ही चीज मिलती है, वो आपके अपने मन की शांति। जितना ही मन से आप करोगे उतना ही जीवन में कल्याण आपके होगा। जी, और नवविवाहिता को आप क्या राय देना चाहेंगे कि उन्हें अपने पति के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए? जैसे शादी के टाइम भी आप मतलब बताते हैं, पंडित जी सभी कहते हैं कि आगे बढ़ना है, तो किन किन तरीकों से आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, और करवा चौथ के दिन आप उन्हें क्या चीजें याद दिलाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो धर्म के मार्ग की बात करेंगे, सबसे पहला तो उन्हें धर्म के मार्ग पर सदैव बढ़ना चाहिए, साथ में धर्म को जागृत रखने के लिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक महिलाओं को कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला कार्य यह करना है कि अपने बड़ों का सम्मान, जीवन में बड़ों का सम्मान से बढ़ के कुछ भी नहीं। जीवन में यदि प्रत्येक महिला चाहती कि मैं अपने पति के साथ में रहूं, सुखद जीवन व्यतीत करूं, तो उसको चाहिए सबसे पहला कार्य वो अपने बड़ों का सम्मान करे, अपने दादा का, अपने दादी जी का, अपने पिताजी का, अपने जो ससुर जी हैं, अपनी सास का, अपनी नंद का, इनका सम्मान सबसे बड़ा है। यदि सम्मान आप करती हैं तो समझ लीजिएगा आप सदैव सबके प्यारी बनी रहेंगी। यदि आपने सम्मान नहीं किया, आपने प्रेम नहीं किया, प्रत्येक घर में छोटी छोटी बातों पे बहुत कुछ होता है, मन मुटाव, आज भी करवा चौथ का पूजन हो रहा होगा, उस पूजन में भी देखिएगा मन मुटाव बन जाता है, ये मत पहनो, ऐसे नहीं करो, वो नहीं करो, ये ऐसे तूने क्यों कर लिया, इन बहुत प्रकार से नाना प्रकार से बातें हैं, लेकिन इन सबसे भी बढ़ करके सास ससुर की बात को मानना, उनसे प्रेम करना,
उनके प्रति अपना भाव प्रदर्शित करना, क्योंकि कि आप सदैव अच्छे मार्ग पे चलोगे तो देख लेना आपके सास ससुर जितने भी खराब हो वो एक दिन अच्छे हो ही जाएंगे। जी, आज करवा चौथ का दिन है और उपवास करती है महिलाएं, तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तुम आपको बता दें कि एक बात जो सबसे बड़ी है वो है सत्य बोलना। आज के दिन कुछ हो या ना हो, लेकिन वो अपने पति से, अपने सास ससुर से, अपने नंद से एक कार्य करे, वो सत्य बोले। यदि उन्होंने सत्य बोला पूरा दिन, किसी की बुराई नहीं की, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता, बुराई तो बनती ही है, ये कार्य छोड़ देंगे, देख लेना कल्याण हो जाएगा। बस इसी बात का ध्यान रखना है। बस और क्या क्या चीजें होती है जो अपनी दिनचर्या में लोगों को अवॉइड करनी चाहिए उपवास के दौरान? देखिए, वैसे तो ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है पकवान बनाने में, क्योंकि सुबह से महिलाएं लग जाती हैं। जी, 11:30 बजे से सब बनाना शुरू कर देती हैं और शाम को 5 बजे तक के तो मुझे लगता है निरंतर बनाती रहती हैं। उसके बाद वो अपने करवे को सजाती हैं, फिर नाना प्रकार की पूजन की तैयारियां करती, सजती समझती, और कब समय व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है जिसे अवॉइड किया जा सके। जी, तो श्रृंगार के दौरान किन चीजों का उपयोग ज्यादातर करना चाहिए महिलाओं को? वैसे बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। सबसे पहले तो जब भी अपना श्रृंगार करें तो बहुत सी महिला सारा श्रृंगार तो बहुत अच्छा से कर लेती है, आजकल तो देखा है सब ब्यूटी पार्लर में जाती तो सजती समझती है सभी, लेकिन वो रंग लगाना भूल जाती है पैरों में, आलता पैर, उसमें विशेष ध्यान रखें। जी, क्योंकि सजने समझने में ऊपर वाला तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो नीचे वाला होता है वो भूल जाती है, और वही सबसे जरूरी है। जी, बिछियों को पहनना, पायलों को पहनना, हाथ में कंगन को पहनना, और सुंदर सुंदर जो भी रिंग सनी मनी की या जो भी उन्हें अंगूठियां मिली तो उन्हें भी धारण करना चाहिए। जी, क्योंकि ये सारी चीजें मेन भूल जाती हैं। क्या आप पैरों को सजाने की बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुओं को, जो गृहिणी होती है, उनको लक्ष्मी माना जाता है, उन्हीं के पैरों से लक्ष्मी आती है? बिल्कुल, उन्हें गृह लक्ष्मी बोला जाता है, और गृह लक्ष्मी जब घर में आती है तो समझ लो हमारा भी कल्याण होता है, हमारे पूरे परिवार का भी कल्याण होता है। तो पैरों को सजाने की आपने जानकारी दिया और विशेष ध्यान देना चाहिए। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से सजती सवरती तो हैं महिलाएं, क्या उन्हें रोज सजिए सवरते रहना चाहिए या फिर सिर्फ करवा चौथ के दिन ही सज लिया काफी है? देखिए, जब जब वो पति घर पे हो, अपने पति घर पे रहें, जी, उस समय महिलाओं को अपना 16 श्रृंगार करना ही चाहिए। यदि पति किसी कार्य से बाहर गए हुए हैं तो पत्नी को सीमित मात्रा में अपना श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि पत्नियों का जो श्रृंगार है वो उसका पति ही भरपूर मात्रा में अगर देखा जाए तो उसे देखता है, क्योंकि कि पत्नी को सदैव अपने पति के सामने ही सजना संवरना चाहिए। और खासकर विशेष बात का ध्यान, विशेषता में दो चीजों पर विचार करता हूँ और जो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, सबसे पहला विचार पैर के तलवे में रंग, और दूसरा मांग, जिसकी मांग भरी रहती है हर क्षण हर पल, समझ लीजिएगा उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जी, और इसके बाद में हम आपको एक बात भी बता दूं, ये बात तो समय जब भगवान सुग्रीव जी भगवान श्री राम जी के साथ में अपनी सहायता के लिए गए, सुग्रीव बाली में युद्ध छिड़ गया और बाली को भगवान मार नहीं पाए, उसका मेन कारण आपको बता दें कि बाली को क्यों नहीं मार पाए, बाली को इसलिए नहीं कि उसकी जो धर्म पत्नी थी ताराजी ने अपनी मांग भर रखी थी, और क्यों, क्योंकि मांग भरी है, प्रभु का बाण चल नहीं रहा तंतोगत, प्रभु ने कहा कि हम पहचान नहीं पा रहे, लेकिन इसका मूलतः कारण ये है कि उसकी मांग में सिंदूर था। फिर पुनः भगवान ने पुनः सुग्रीव को भेजा होगा अब बुलाओ जाके, उस समय जब बाली चला अपनी गदा को लेकर तो उस समय तारा नहा रहे, तो नहाते समय उसका जितनी भी मांग में सिंदूर था वो सब बह गया, उतने में आया युद्ध प्रारंभ हुआ, अयुद्ध के बीच में प्रभु ने बाण मारा और बाली समाप्त हो गया। तो आप समझ लीजिए, अकाल मृत्यु से अगर पति को बचाना है महिलाओं को तो सदैव अपनी मांग को सदैव भर करके रखना चाहिए। जी, करवा चौथ की प्रथा कितनी पुरानी है और कब से चली आ रही है? ये सनातन धर्म की प्रथा, ऐसा वाद से नहीं, तो सदियों से चली आ रही है। तो जिस तरह से कहा जाता है, कई पौराणिक कथाएं भी हैं, तो आप सबसे ज्यादा किस पे विश्वास करते हैं? देखिए, जो पौराणिक कथाएं हैं उन पे हम विश्वास करते हैं, और हमें विश्वास क्या, हमें सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भक्त, प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक माताओं को अपने सनातन धर्म पे विश्वास करना ही चाहिए। इसके अलावा उन्हें संशय नहीं करना चाहिए। आजकल देख रहे हो कि हर वक्त हर भैया, हर माताएं, हर बहनें सब संशय करते हैं प्रत्येक चीज पे, चाहे हमारे वैदिक रीति रिवाज को लेकर के बात करें या हमारे पुराणों की बात करें, सब संशय करते हैं। लेकिन जीवन में हमेशा याद रखिए, भगवान के प्रति समर्पित होना है तो संशय मुक्त रहना है। यदि आप संशय मुक्त रहेंगे तो देख लेना भगवान की कृपा सदैव प्रत्येक भक्त पे बनी ही रहेगी।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं जिन्होंने हमें तमाम जानकारियां दी करवा चौथ से जुड़ी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही 16 श्रृंगार के बारे में भी उन्होंने बताया। तो आशा है कि जानकारी आपके काम आएगी और आप व्रत बिना विघ्न और शंका के ही संपन्न करेंगे। आपके जीवन में खुशी यूं ही बनी रहेगी, नकारात्मकता दूर रहेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम खबरों और उनकी अपडेट के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। जय श्री राम।